नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बाजारों का हाल, मार्केट का हाल भी देखेंगे और अभी के बजिंग शेयर्स पर एक्सपर्ट की राय भी लेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। अच्छी शुरुआत के बाद बाजार में ऊपरी स्तरों पर दबाव। दिन के ऊपरी स्तरों से सेंसेक्स करीब 350 अंक फिसला। मिड कैप इंडेक्स में भी गिरावट। टाटा मोटर्स, अरविंदो फार्मा और एचपीसीएल के नतीजे आज। 66% बढ़ सकता है टाटा मोटर्स का मुनाफा और अरविंदो के मुनाफे में 15% से ज्यादा की बढ़त का अनुमान। एचपीसीएल के मार्जिन 8% पर रहने की उम्मीद। मिड कैप में जेएसपीएल, सेल, एनएचपीसी, इंडिया सीमेंट के नतीजे आज। अमराजा के नतीजों पर भी रखे नजर। और जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले एफएमसीजी शेयरों में तेजी। पर्सनल केयर प्रोडक्ट पर मिल सकती है राहत। प्लास्टिक सैनिटरी वेयर बनाने वाली कंपनियों को भी छूट मुमकिन। बैठक पर दिग्गज विदेशी निवेशकों की भी नजर। एक तो जीएसटी रेट थोड़ा कम करने की बातें हो रही हैं। सेकेंड है कि अब जीएसटी जो इनपुट कॉस्ट में मिलता था, किसी के रेंटल कॉस्ट पे नहीं मिलता था, किसी की दूसरी कॉस्ट पे नहीं, तो उसको थोड़ा सा वो और मिलेगा। सितंबर तिमाही में भारत में सोने की मांग 8 साल के निचले स्तर पर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कहा, नोटबंदी और जीएसटी से डिमांड 30% गिरी। और एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ के आईपीओ में पैसा लगाने का आज आखिरी दिन। अब तक करीब 1.5 गुना भरा इशू। प्राइस बैंड 275 से 290 रुपए। और भारतीय बाजार दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। शुरुआत तो आज अच्छी हुई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर मार्केट स्टिक नहीं पाया। अभी आप अगर निफ्टी को देखें तो ये लाल निशान में करीब 30 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स भी अपने दिन के ऊपरी स्तरों से करीब 350 अंक फिसल चुका है और अब करीब 60 अंकों की कमजोरी देखी जा रही है। निफ्टी 10300 के लेवल भी ब्रेक कर चुका है और 10281 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। लगातार रिकॉर्ड स्तर बनाने के बाद पिछले 4-5 दिनों से हम लगातार प्रेशर भारतीय बाजारों में ऊपरी स्तरों पर देख रहे हैं। बिकवाली सिर्फ इंडेक्स पर ही नहीं है, यानी ब्रॉडर इंडाइसेस पर ही नहीं है, लेकिन अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों को देखेंगे तो दबाव वहां भी कायम है। मिड कैप इंडेक्स भी दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक कुछ अभी हालांकि हरे निशान में है, 19-20 अंकों की बढ़त दिखा रहा है, लेकिन अपने दिन के ऊपरी स्तरों से ये भी नीचे फिसला है और अब दिन के निचले स्तरों पर निफ्टी बैंक भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन इंडेक्स पर आपको करना क्या है, अगर आपने तेजी की पोजीशन बनाई सुबह, या फिर आप नई पोजीशंस कैसे बना सकते हैं, इस पर एक राय ले लेते हैं। आज के मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के विकास सालुंखे हैं। विकास, गुड आफ्टरनून। पहले तो इंडेक्स पर ही अपनी राय दीजिए। निफ्टी 10300 के लेवल भी ब्रीच कर चुका है और अभी दिन के निचले स्तरों पर है। कैसी पोजीशंस आप बना सकते हैं ट्रेडर्स, या फिर जिन्होंने एग्जिस्ट पोजीशंस अभी भी होल्ड रखी हो तेजी की, वो क्या करें? गुड आफ्टरनून दीपल जी। जैसे कि मुझे लगता है कि कल भी मैंने मेंशन किया था फ्यूचर एक्सप्रेस में कि निफ्टी में अभी भी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है। नीचे के लेवल्स अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट है कि मुझे लगता है 10,240 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखा जा चुका, तो वहाँ तक एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर देगा यहाँ पे। तो अभी भी यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे कोई भी बाय करना नहीं चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मुझे लगता है एक बार निफ्टी 10,240 एक 10,200 के आसपास के एक लेवल टच कर सकता है। अपसाइड में एक 10,373 और 10,340 के आसपास अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस बन चुका, तो अभी किसी को शॉर्ट करना है तो 10,340 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे सेल करके जाना चाहिए। और जिनके यहाँ पे बाइंग पोजीशन है तो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे पोजीशन क्विट करके वेट करना चाहिए। नीचे जैसे निफ्टी 10,240 या 10,200 के आसपास आ रहा है तो वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, तो निफ्टी पर सलाह मिली है आपको विकास की ओर से। अगर तेजी की पोजीशंस है तो अभी निकलिए, 10,240 के नजदीक पहुंचे, वहाँ एक बार नई खरीदारी कर सकते हैं। अभी बिकवाली की पोजीशंस बनाने की सलाह है। एक बार क्विकली देख लेते हैं वो शेयर्स निफ्टी के जो कि दबाव क्रिएट कर रहे हैं। आप देखिए आज के सत्र में ONGC करीब 2.5% नीचे है और अरविंदो फार्मा के नतीजे आने हैं। नतीजों से पहले ये स्टॉक भी कमजोर है, करीब 2% की वीकनेस दिखा रहा है। HDFC लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, कोल इंडिया, ये कुछ और लूजर्स हैं इंडेक्स के, जहां पर 2% तक की वीकनेस हम देख रहे हैं। एक क्विक कमेंट आपका विकास, अरविंदो फार्मा पर चाहिए। नतीजे आने हैं, हालांकि नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन बिकवाली हावी है नतीजे आने से पहले। दिन के निचले स्तरों पर यह स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है, अभी क्या स्ट्रैटेजी है इन लेवल्स पर?
जी अगर ऑरो फार्मा की बात करो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 750 के आसपास एक अभी भी सपोर्ट मेंटेन किया है, एक डीप उसने इंट्राडे कर चुका है, बट मुझे लगता है जब तक वो 750 के ऊपर है तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। अगर ये लेवल ये मेंटेन कर रहा और यहाँ से अगर रिजल्ट भी है अगर एक्सपेक्टेशन से अबव अगर आ रहा है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि वापस से काउंटर एक अपसाइड मूवमेंट कर सकता है। मुझे लगता है अपसाइड में 810-820 के टारगेट यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, बस स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आज रिजल्ट है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से यहाँ पे जाना चाहिए, 750 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके जाना चाहिए। ठीक है, तो सलाह आपको मिली है, लेकिन जो दबाव है वो इसमें और बढ़ा है और अभी करीब 3% से ज्यादा की कमजोरी दिखा रहा है, 762 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज कई ऐसे शेयर्स हैं जहां पर अच्छा मूव भी दिखा है, एक बार देख लेते हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक शेयर्स जो कि अच्छी तेजी अभी भी अपनी मेंटेन कर रहे हैं। एक बार रेन इंडस्ट्रीज के स्टॉक को देख लेते हैं, और ये स्टॉक स्पेशली पिछले 4-5 महीनों में काफी तेजी से बढ़ा भी है। आज कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी आई है, मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर अपग्रेड किया है स्टॉक को, 492 के टारगेट्स की बात कर रहे हैं, अभी भी 5% ऊपर है ये शेयर। ये रेन इंडस्ट्रीज आपको कैसा लगता है विकास? अगर आप जून जुलाई से इसका मूवमेंट देखेंगे तो ये 100 रुपए से इसने चलना शुरू किया और अभी 350 तक पहुंच चुका है, जोरदार मूव रहा है इसमें पिछले कुछ मंथ्स में, अभी क्या सलाह है? जी हाँ दीपल, अगर देखोगे तो लास्ट को कुछ महीनों से स्टॉक एक अपसाइड मोमेंट कर रहा है, अभी और बॉट जोन में जाके बैठा। मेरे ख्याल से यहाँ पे ट्रेडिंग अप ट्रेंड में है अभी भी स्टॉक, मुझे नहीं लगता यहाँ पे अभी भी वीकनेस है। अगर ये अभी भी देखो तो मार्केट से आउट परफॉर्म नहीं चल रहा है, तो अभी भी स्टॉक में कर सकते हैं, बट नीचे में यहाँ पे एक स्टिक स्टॉप लॉस से भी स्टॉक में करना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल सकता है कि ऑलमोस्ट स्टॉक यहाँ से डबल और 3 गुना हो चुका है। तो यहाँ पे अगर ट्रेडिंग करना है तो नीचे में 345 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है वापस 380-392 के लेवल्स के आसपास ये वापस ट्रेड कर सकता है अपर साइड में। तो नीचे में अगर इसको करना है बाइंग तो यहाँ पे थोड़ा भी रिट्रेस हो रहा है 350 के आसपास, तो बाय करना चाहिए 345 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, 350 के आसपास मिले तो खरीद के चलिए इन इंडस्ट्रीज को, 390 तक जा सकता है, स्टॉप लॉस आपको 345 पर मेंटेन करना है, तो खरीदारी की सलाह आ रही है इस शेयर पर। एक बार आप देखिए 2-3 ऐसे शेयर जहां पर आज नतीजों का असर दिखा, अच्छे अर्निंग्स आए हैं और इन स्टॉक्स में अच्छा बूस्ट आया है। एक तो पेट्रोनेट एलएनजी का स्टॉक है, नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग आए हर पैरामीटर पर और आज ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस ने स्टॉक को अपग्रेड भी किया है। ये अभी भी अपनी जो दिन की स्ट्रेंथ है उसको होल्ड कर रहा है, 4% ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक आप देख सकते हैं बॉम्बे डाइंग को, यहां भी अच्छी मजबूती आज के सत्र में देखी गई है, अगेन अर्निंग्स का ही इंपैक्ट है, जो रियल्टी सेल्स है वो काफी अच्छी आई है जिसके बाद एक अच्छा नंबर्स इस कंपनी ने पोस्ट किए हैं, 3.5% ऊपर ये भी ट्रेड कर रहा है। इन दोनों ही शेयरों में नई खरीदारी के लिहाज से कौन सा बेहतर है, पेट्रोनेट एलएनजी या फिर बॉम्बे डाइंग? विकास दीपाली, जैसे बॉम्बे डाइंग की बात करें तो ऑलमोस्ट इस स्टॉक में मोमेंटम हो चुका है, एक साइडवाइज मूवमेंट कर रहा है लास्ट कुछ दिनों ने, एक टॉप करके आने के बाद यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि अभी इसमें एक एंटर करना चाहिए, बट उसके कंपेरेटिव अगर पेट्रोनेट एनर्जी है वहाँ पे मुझे लगता है अभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे अभी भी चांस है, अभी भी यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। उसका एक इंट्राडे बेस एक इमीडिएट रेजिस्टेंट 275 के आसपास का, अगर ये 275 अगर ब्रेक कर रहा है अपर साइड में तो मुझे लगता है ये 1 से 2 दिन में 290 और 300 के लेवल्स भी यहाँ पे दिखा सकता है। तो बेटर ऑप्शन रहेगा कि पेट्रोनेट एनर्जी यहाँ पे बाय करके जाना चाहिए, अबाउट 275 का एक ब्रेकआउट लेवल है, उसके ऊपर अगर ये ट्रेड कर रहा है इंट्राडे में अगर ये ब्रेकआउट आ रहा है तो उसको बाय करना चाहिए। नीचे में मुझे लगता है कि 264-265 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके स्टॉक को बाय करना, लेकिन इसमें कंडीशनल बाय होगा 275 के ऊपर अगर ये ट्रेड कर रहा है तो इसमें बाय करके जाना चाहिए। 275 के ऊपर अगर ये स्टॉक आए उन लेवल्स पर टिके तो ही नई खरीदारी की सलाह विकास दे रहे हैं पेट्रोनेट एलएनजी में, अभी 270 पर ट्रेड कर रहा है और अगर 4-5 रुपए चले ये शेयर तब आप खरीदारी करें, ये सलाह दी जा रही है। एक बार देख लेते हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, सिम्फनी हेवल्स जैसे शेयर्स को, क्योंकि इन स्टॉक्स में एक अच्छा मूव आज के सत्र में दिखा है और बस भी है, ट्रिगर भी है, ट्रिगर है जीएसटी बैठक का, 2 दिनों की जो बैठक शुरू हुई है जीएसटी काउंसिल की आज, उसमें ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि जो जीएसटी दर है इलेक्ट्रिक स्विचेस पर फैन पर वो 28% से घटकर 18% हो सकती है। आप देखिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है 4% की स्ट्रेंथ के साथ, हेवल्स में भी अच्छा मूव है। एक बार सिम्फनी को भी देख लेते हैं, थोड़ी देर पहले एकाएक चला था वो स्टॉक भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, अभी भी अच्छी बढ़त दिखा रहा है सिम्फनी का शेयर, पिछले हफ्ते नतीजे भी आए थे, नतीजों के बाद लगातार दौड़ा था, आप देखिए अभी भी करीब 4% ऊपर है। हालांकि खबरों के आधार पर ये सभी शेयर्स चल रहे हैं, लेकिन टेक्निकली कोई पसंद है क्या इनमें से आपको विकास?
दीपल, अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि क्रॉम्पटन ग्रूव्स में अभी भी मुझे लगता है यहाँ पे चांस है। टेक्निकली एक मल्टीपल ब्रेकआउट इस स्टॉक ने कर चुका है, 232-235 के आसपास एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस था, उसको भी ब्रेक करके चल रहा है। वीक अगर देखो, अगर लास्ट 2-3 वीक में वॉल्यूम ब्रेकआउट भी आ रहा है, तो मुझे लगता है इस काउंटर में अभी भी एक अपमूव आ सकती है, मोमेंटम थोड़ा कैरी हो सकता है, तो अपसाइड में एक 252 के टारगेट यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। और मुझे लगता है अगर लॉन्गर टर्म किसी को होल्ड करना है तो 270 के टारगेट यहाँ में आने के चांसेस है। ठीक है, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स अच्छा लग रहा है, अगर थोड़ा समय देंगे तो खरीदारी की जा सकती है, अच्छा मुनाफा ये स्टॉक आपको कमा कर दे सकता है, अच्छी मजबूती इनफैक्ट अभी दिख भी रही है, 9 रुपए ऊपर ये ट्रेड भी कर रहा है। एक बार इंडियन बैंक पर आपका कमेंट चाहिए विकास, इनफैक्ट छोटे बैंकों में अच्छा मूव देखा भी हमने, आप देखिए डीसीबी बैंक को, इंडियन बैंक को, बाजार ऊपरी स्तरों से नीचे आया है, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी आए हैं नीचे, लेकिन ये स्टॉक्स अपनी मजबूती को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। इंडियन बैंक आज भी 6% ऊपर है, डीसीबी बैंक एक और स्टॉक है जहां पर अच्छा मूव है और ये शेयर भी करीब 2% तक की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ये छोटे बैंकिंग शेयर में कोई सलाह है कि आपके, या फिर कोई पसंद है कि आपको शेयर नई खरीदारी के लिहाज से? दीपल, अगर इंडियन बैंक की बात करें तो मुझे लगता है अभी भी ये काउंटर है, मुझे लगता है कि इसमें एक पोटेंशियल है अपसाइड में, मुझे लगता है कि 450 के आसपास के टारगेट अभी भी इसमें आने के चांसेस मुझे लगते हैं। नीचे में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये स्टॉक 380 के आसपास थोड़ा भी रिट्रेस हो रहा है तो उसको बाय कर सकते हैं, और मुझे लगता है यहाँ से वापस वो 450 के लेवल्स के लिए आ सकते हैं। जैसे कि डीसीबी बैंक की बात करो तो उसमें थोड़ा वेट करना चाहिए, उसको एक अपसाइड एक रेजिस्टेंस है 184 का, तो उसके जब तक उसके ऊपर नहीं जाता तब तक मुझे लगता है डीसीबी बैंक में बाय करना चाहिए, बट डेफिनेटली इंडियन बैंक मुझे अच्छा लगता है। आपको इंडियन बैंक अच्छा लगता है, 450 तक भी ये शेयर जा सकता है ऐसा विकास मानते हैं, तो इन स्तर पे भी खरीदारी की जा सकती है, अभी भी 23 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे तो जो बजिंग स्टॉक्स है उन पर तो राय लेंगे ही, साथ ही साथ पिडिलाइट के नतीजे आए हैं, नतीजे अच्छे रहे हैं, और इन्हीं पर बातचीत करने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपूर्व पारिक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे नंबर्स पर एक ब्रेक के बाद, चल लौटेंगे। Care Ratings, enriching financial markets. Cotswold. Heater jaisi garmi deta. Ye bhi lage cool. Sardi mein tum pehno Cotswold. Sardi ko jao bhool. Pehno Lux Cotswold. Murugappa Group ke BSA Hercules ki ye cycle hui panti ke liye. Coromandel ke fertilizers hue Baggi ji ke liye. Chola Finance ne madad ki Pratap ki. तो क्यूमी ने सजाया देसाईस का आशियाना, टीआई इंडिया के साथ है सवार कबीर और महक, और पैरी एग्रो की चाय जगाए सपने रिहाना के, चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस है नैंसी के साथ, जैसे कि ईआईडी पैरी शुगर ने भरी मिसेस दीवैया के रिश्तों में मिठास, जब दो टुकड़े जुड़ते हैं तभी तो होती है एक सही शुरुआत। मुर्गप्पा ग्रुप, जुड़कर बढ़े। नोटबंदी के एक साल पूरा होने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली का सबसे पहला इंटरव्यू। पॉलिसी पैरालिसिस जो 10 साल सरकार चली उसी तरह की पॉलिसी पैरालिसिस की नीति हम अप्लाई रखते हैं। देश के सबसे बड़े बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज पर। सर ये नया प्रोजेक्ट ना डिफिकल्ट लग रहा है। डिफी? सर आपने पहले कभी डिफिकल्ट नहीं सुना? सुना होता ना तो आज तक समोसे बेच रहा होता, ये फैक्ट्री नहीं लगाई होती। जब आपके इरादों में कोई लिमिट नहीं है तो हमारे सपोर्ट में क्यों हो। एडलवाइज एसएमई बिजनेस लोन्स, बी अनलिमिटेड। Kadini is getting everything you want without having to try too hard. The power of presence. Kadini, Italy, now in India. Care Ratings, celebrating its 25th year of analytical excellence. आप
आप देख रहे हैं बाजारों का हाल। बाजार अभी भी दबाव में है। निफ्टी अभी भी लाल निशान में दिन के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक सभी इंडेक्सेस जो हैं वो अपने दिन के ऊपरी स्तरों से नीचे फिसले हैं। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पिडिलाइट के। पिडिलाइट के नतीजे आए हैं, नतीजे बेहतर रहे हैं। कंपनी की आय और मुनाफे में 9 से 10% की ग्रोथ रही है, वहीं मार्जिन में करीब 1.5% बढ़े हैं। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपूर्व पारेख। मिस्टर पारेख, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज। कंग्रेचुलेशंस, नंबर्स अच्छे पोस्ट किए हैं कंपनी ने। लेकिन सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जिस जीएसटी इंपैक्ट की हम बात कर रहे थे अब से 1 से 2 क्वार्टर पहले, क्या वो ओवरडन हो चुका है, नंबर्स पर ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुका है पूरी तरीके से, या फिर अभी और असर आना बाकी? एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है अभी? पहले ये क्वार्टर में हमारा जो नेट सेल्स ग्रोथ था वो 11.2% था और वॉल्यूम ग्रोथ भी 12% था। हमारे कंज्यूमर और बाजार प्रोडक्ट का ग्रोथ 15% था। तो जो देखा जाए तो पहले क्वार्टर के हिसाब से ग्रोथ रेट सेकेंड क्वार्टर में अच्छा इम्प्रूव हुआ है। इसके दो रीजन है, एक तो डिमांड और ओवरऑल सिनारियो में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, और दूसरा जो चैनल पार्टनर की इन्वेंट्री फर्स्ट क्वार्टर में कम हो गई थी वो भी अभी नियर नॉर्मल हो गई है। सो ये दो रीजन के लिए सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट में ये क्वार्टर में रहा था। जी मिस्टर पारेख, आपने अभी कहा कि डिमांड इम्प्रूव हुई है, लेकिन नतीजों के बाद जो कमेंट्री मैनेजमेंट की ओर से आई उसमें उन्होंने कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होने की बात कही है, तो आप पॉजिटिव हैं ग्रोथ को लेकर, लेकिन कॉशियस क्यों हैं, क्या वजह है? देखिए, हमने ऑप्टिमिस्टिक लिखा है क्योंकि यू नो हमने ये क्वार्टर का ग्रोथ अच्छा रहा है, डबल डिजिट ग्रोथ रहा है, उसमें से कंज्यूमर और बाजार प्रोडक्ट का ग्रोथ 15% लिखा है। बट कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग यह है कि जब तक ऐसा अच्छा ग्रोथ रेट 2-3 क्वार्टर तक कंटिन्यू ना हो तब तक कहना डिफिकल्ट है कि सब नॉर्मल हो गया और अभी सेल अच्छी तरह से ग्रो होगा। तो ये थोड़ा और 1-2 क्वार्टर पास हो गए बाद में पूरा अच्छी तरह से आइडिया होगा कि कैसी सिचुएशन है। जी मिस्टर पारेख, दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके, एक कंज्यूमर सेगमेंट है, दूसरा इंडस्ट्रियल सेगमेंट, और दोनों ही सेगमेंट की परफॉर्मेंस अगर कंपेयर करें तो अभी भी जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट की ग्रोथ है वो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है। वॉल्यूम्स भी 1% डिक्लाइन हुए हैं, एबिटा फ्रंट पर भी थोड़ा दबाव दिखा है, मार्जिन्स भी नीचे आए हैं, तो कब तक हम रिवाइवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल सेगमेंट की ग्रोथ में? सी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में डोमेस्टिक सेल्स ग्रोथ ठीक रहा है, बट इंटरनेशनल ग्रोथ काफी कम रहा है, इंटरनेशनल सेल डिक्लाइन हुआ है। उसके दो रीजन है, एक तो जो रॉ मटेरियल साइकिल नीचे चल रहा था 2 साल से, वो रॉ मटेरियल प्राइस में बहुत बढ़त आई है। उसके वजह से क्या हुआ है कि हमारी जो थोड़ी प्रोडक्ट है उसका एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट आ गया है, उनका एक्सपोर्ट पहले जितना वायबल नहीं रहा है तो उस पर थोड़ा इम्पैक्ट आ गया है। सबसे बड़ी इम्पैक्ट उसकी है, डोमेस्टिक सेल ठीक चल रहा है, और दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्पैक्ट का भी वो सेम ही रीजन है कि जो रॉ मटेरियल साइकिल में बहुत ज्यादा बढ़त आई है। लास्ट 1-2 साल हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए बहुत ही अच्छे थे, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छी तरह ग्रो हुई थी, उसमें थोड़ा करेक्शन हो रहा है क्योंकि रॉ मटेरियल साइकिल में अभी बढ़ा हुआ है। ठीक है मिस्टर पारेख, आने वाले क्वार्टर्स को लेकर तो आप काफी पॉजिटिव हैं, तो ये बताइए आगे की स्ट्रेटेजी क्या है, क्या कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे या फिर कुछ और एक्सपेंशन की योजनाएं हैं? देखिए, हमने हमारी स्ट्रेटेजी न्यू प्रोडक्ट में है कि जो हमारे कोर प्रोडक्ट है वो सब कोर प्रोडक्ट में हम वेरियंट्स या एक्सटेंशन इंट्रोड्यूस करते हैं। हमने फेविकॉल में बहुत से एक्सटेंशन लॉन्च किए हैं, जैसे कि फेविकॉल हाइपर, फेविकॉल हीटेक्स, फेविक्विक में हमने फेविक्विक जेल इंट्रोड्यूस किया है, डॉक्टर फिक्सिट में भी बहुत से प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करे हैं। इसी तरह हम सब कोर प्रोडक्ट में जहां भी हमें नीड गैप पता चलता है और जहां अपॉर्चुनिटी दिखती है हम नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके एडिशन में हम दूसरे भी नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और एवरी ईयर हम कोई ना कोई नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। चलिए शुक्रिया मिस्टर पारेख समय देने के लिए सीएनबीसी आवाज को और नतीजों पर बातचीत करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर्स। विकास, आपकी राय क्या है पिडिलाइट पर? आज अच्छा इसने एक अपमूव देखा जा रहा है इस शेयर में, और पिछले कई दिनों से लगातार नीचे आ रहा था, तो आज का जो ये रिबाउंड है नंबर्स के बाद, ये क्या और एक्सटेंड हो सकता है, क्या टारगेट्स हो सकते हैं आपके हिसाब से? जब दीपाली, मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी रिट्रेसमेंट कर चुका है अपसाइड में, 868 के यहाँ से एक डाउनफॉल कर रहा था और अभी 150 डीएमए के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ से ये कंटिन्यू हो सकता है, 820 के इमीडिएट टारगेट यहाँ पे बनाया जा सकता है। नीचे में मुझे लगता है कि अभी वापस इसका एक सपोर्ट जोन जो है
वो 750 से शिफ्ट होकर 775 के आसपास आ चुका है, तो मुझे लगता है 775 के सपोर्ट से यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा भी रिट्रेस हो रहा है 780 के आसपास, तो उसको वापस बाइंग के लिए जा सकते हैं। अपसाइड मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट 840-820 के आसपास आए। ठीक है, तेजी की पोजीशन बनाई हुई है तो होल्ड रखें, 820 तक जा सकता है। पिडलाइट नई खरीदारी करनी है तो थोड़ा नीचे आने दें इसको, 780 के आसपास मिले तो तेजी की पोजीशंस दोबारा बनाई जा सकती हैं। शुक्रिया विकास आपका शामिल होने के लिए शो में और सभी शेयरों पर अपनी राय देने के लिए। इस बीच पेज इंडस्ट्रीज के नतीजे आए हैं, एक बार नंबर्स देख लेते हैं और स्टॉक पर रिएक्शन भी देख लेते हैं। मुनाफा जो है वो 84 करोड़